إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فَاعُوذُ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़दफफ़ा दफ़ाउन अजीमा हर तरह की तारीफ उस अल्लाह रबुलामीन के लिए लायक और जेबा है जो सारे जहान का अकेला खालिक है मालिक है हाकिम है राज है सलाम नाजिल हूँ अल्लाह के तमाम नबियों पर ख़ुसूसन आखिरी नबी हज़रत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी नबी आखिरी रसूल आखिरी पैगंबर बनाकर इस दुनिया के लिए भेजे गए मोहतरम हाजरीन अल्लाह तबारक व तआला का बेशुमार एहसान है कि उसने हम सबको मुसलमान बनाया इस्लाम की दौलत से हम सबको सरफराज किया अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम तमाम लोगों को इस्लामी वसूलों पर अमल करने की तोफीकनायत फरमाए इस्लाम के अलावा जो अदियान है उसमें इफ़रात और तफरीत है कुछ लोग बहुत आगे निकल गए और कुछ लोग बहुत पीछे रह गए लेकिन इस्लाम को अल्लाह तबारक वाली ने मतदल बनाया ना इसमें इफरात है और ना तफरीत है यही वजह है कि अल्लाह तबारक व ताली ने इस उम्मत के मुतालिक फ़रमाया कि हमने इस उम्मत को उम्मत वसत बनाया वह क़ाली का जान नाकुम हमने इस उम्मत को उम्मत वस्त बनाया वस्त का मतलब होता है मतदिल ना इसमें इफ़रात है और ना तफ़रीत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अयाम में ज़िंदगी के अल्लाह ने यह आयत नाजिल फ़रमाई अलमा अकमल तो लकुम दीनकुम। आज के दिन हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया अब अगर दीन का कुछ हिस्सा काट देते हैं तो ये तफरीत है और दीन में कुछ इजाफ़ा कर देते हैं तो ये बिदात है गलू है ये इफ़रात है तो हमारा दीन न तफरीत और ना इफ़रात इन दोनों से पाक है इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीसों में दीन में गलू करने से मना किया है एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ नजद से आया था साहब कराम कहते हैं कि हमने देखा कि उसके बाल बड़े परागंदे थे और उसके जिस्म की हैत से मालूम हो रहा था कि यह लंबा सफ़र करके आया अल्लाह के नबी वसल्लम की खिदमत में आया और उसने अल्लाह के रसूल वसल्लम से कुछ सवाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दीन की बातें बताईं आपने बताया कि दिन और रात में पाँच वक्त की नमाज फ़र्ज है उस उस शख्स ने सवाल किया कि अः अल्लाह के रसूल क्या ये पाँच वक्त के अलावा भी मैं कुछ नमाज पढ़ सकता हूँ तो आपने फरमाया नहीं इसके अलावा जो पढ़ोगे वो नफिल होगा फ़र्ज़ पांच ही है फिर अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने साल में एक महीने का रोज़ा फ़र्ज़ किया है रमज़ान का रोज़ा कभी उन्तीस दिन का होता है कभी तीस दिन का होता है तो उस शख़्स ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल ये एक महीने के अलावा भी मैं कुछ रोज़ा रख सकता हूं तो आपने फरमाया नहीं फ़र्ज़ नहीं है लेकिन अगर तुम रखोगे तो वो क्या होगा नफिल होगा तीसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे माल में जक़ात फ़र्ज़ किया है जो तुम्हारे माल का ढाई परसेंट लिया जाएगा गरीबों को तकसीम किया जाएगा तो उस शख्स ने पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या इसके अलावा भी कुछ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं इसके अलावा जो तुम दोगे दो वो क्या होगा नफिल सदका होगा ये तीन बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बतलाईं मालूम ये हुआ कि उस वक्त हज फर्ज नहीं था उस शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये बात सुनी तो क्या कहा ला अजीदु अला हाज़ा वला खुसो अल्लाह की कसम ये जो आपने बातें बताई हैं इसमें ना कुछ मैं ज्यादती करूँगा ना कमी करूँगा यानी जितना आपने बताया है मैं उतना ही करूँगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु नबीस फ फरमा कद इन सदका अगर इसने सही बात कही है तो यह कामयाब हो गया मालूम यह हुआ कि दीन में ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश न करें और दीन के किसी मामले को छोड़ने की कोशिश न करें दीन जितना है अपनी बिसात और ताकत के मुताबिक उस पर अमल करने की कोशिश करें यही एतदाल है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक ने इसी बात का हुक्म दिया है इफरात और तफरी से अपने आप को बचाएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, फरमाएल गुफी लोगो दीन के मामले में गुलू करने से बचो फईन नफिदीन इसलिए कि तुमसे पहले जो लोग थे वो दीन में गुलू करने की वजह से हिला हो गए दीन के मामले में सख्ती नहीं दीन के मामले में गुलू नहीं दीन के मामले में इफरात नहीं दीन के मामले में तफरीत नहीं और मैं आपको ये बात भी बता दूं जब दीन के मामले में गुलों नहीं है जब दीन के मामले में इफरात नहीं है जब दीन के मामले में तफरीत नहीं है तो दुनिया के मामले में भी गलो और अफरात और तफरीत से आदमी को बचना चाहिए अल्लाह के नबी नबीम ने एक और और हदीस में फरमाया हलकल मतन दीन में सख्ती करने वाले हलाक हो गए अपने आप पर मुसीबत डाल लेना अपने आप को मुश्किल में पैदा कर लेना ये हमारी बेवकूफ़ी है दीन ये नहीं है कि आप अपने आप को मुश्किल में डालें दीन के मामले में तो अल्लाह तो अल्ला ने फरमा अ दिन व दीन आसान है जब दीन आसान है तो हम उसको सख्त क्यों बनाएं हमें चाहिए कि दीन की आसानियों को कबूल करें और सख्तियों का मामला जहां तक होता है अपनी ताकत और अपनी विसात के मुताबिक उसको अंजाम देने की कोशिश करें बहुत सारे लोगों ने अम्बिया कराम सालहीन अलिया करामाए उम्मत के बारे में गलूक किया नतीजा क्या हुआ वो हिला हो गए नतीजा क्या हुआ तबाह हो गए नतीजा क्या हुआ बर्बाद हो गए नतीजा क्या हुआ शिरक में पड़ गए मेरे भाइयों अल्लाह तबारक वाले ने कुरान मजीद में फरमाया का यहूद उजैर इबन अल्ला यहूदियों ने क्या कहाजैर अल्लाह के बेटे हैं उजैर को यहूदियों ने अल्लाह का बेटा करार दिया किया अल्लाह का कोई बेटा नहीं है लम यलिद वमत ना अल्लाह तबारक वाल का कोई बेटा है ना अल्लाह किसी का बेटा है लम यलिद वलमत लेकिन यहूदियों ने क्या कहा कहाजैर है लत नसारा नसारा ने कहा अलमसी इबन मसीह ईसा इबन मरियम अल्लाह बेटे के बेटे हैं इसीलिए वह तसलीस के कायल है कहते हैं अल्लाह का बेटा है यानी अल्लाह ईसा और मरियम ये तीनों मिलकर के दुनिया चला रहे हैं तो ईसाइयों ने गुलू किया ईसा को अल्लाह का बेटा करार दिया यहूदियों ने गलू किया उज़ैर को अल्लाह का बेटा करार दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़तरा महसूस हुआ इसलिए आपने अपनी ज़िंदगी ही में अपने उम्मत को आगाह कर दिया कि दीन के मामले में कभी गुलू नहीं करना दुनिया में जो ये बुतप्रस्ती आम हुई ये कबर परस्ती आम हुई इसकी वजह क्या है इसकी वजह गलो है कुरान मजीद में अल्लाह तबार व तआला ने अलैहि नू व सलाम की कौम का वाकया बयान किया नू व सलाम के ज़माने में पाँच लोग बड़े अच्छे थे बड़े नेकल थे बड़े मुतकी थे वद यगूस यऊक सु और नसर ये पाँच लोग मजीद में अल्लाह ताला ने इनका तस्करा किया यगूस यऊक सुआ, नसर ये पांच लोग जब इंतकाल कर गए दुनिया से चले गए अच्छे थे नेक थे मुत्तकी और परहेजगार थे इसलिए शैतान ने लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत पैदा की मोहब्बत पैदा करना ये अच्छी बात है किसी बड़े आदमी से अच्छे और नेक आदमी से अकीदत रखना अच्छी बात है लेकिन उसमें गोलू करना ये आपको ख़तरे तक पहुँचा सकता तो सबसे पहले जो परस्ती की और कबर परस्ती की इब्तदा हुई यहीं से ये पांच लोग जो मुतकी और परहेजगार और नेक थे कौम नूह के दिलों में इनके ताल्लुक से आजमत पैदा की गई ये तुम्हारे बुजुर्ग थे ये तुम्हारे बड़े थे ये बड़े अच्छे थे ये बड़े नेक थे अब दुनिया से चले गए हैं तुमने उनको भुला दिया कम से कम उनके कबर पर हाजिरी दिया करो पहला मसला क्या था कबर पर हाजिरी दिया करो और उनके कारनामों को याद किया करो ये पहला नुक्ता था लोगों ने सोचा कि कबर पर हाजिरी देना अपने बुजुर्गों के कारनामों को याद करना कोई बुरी बात नहीं है कबरों पर हाजिरी देने लगे उन बुजुर्गों के दास्तानों को बयान करने लगे और उनका और तकवा उनका तकवा और परहेजगारी इनके दिल में बैठने लगा फिर धीरे धीरे शैतान ने एक और कदम बढ़ाया कहा तुम मिट्टी के सामने बैठे रहते हो कम से कम इनकी तस्वीरें बना लो तस्वीर बनाई गई स्टेचू बनाया गया और वो लोग उसके सामने बैठते थे और अपने बुजुर्गों को याद करते थे एक नस्ल गुजरी दूसरी नस्ल गुजरी बाद में आने वालों ने उस पर फूल चढ़ाना शुरू कर दिया हार चढ़ाना शुरू कर यह है कबर परस्ती की इब्तदा मेरे भाइयों यहीं से कबर परस्ती की इब्तदा हुई यहीं से बुत परस्ती की इब्तदा हुई आज भी बहुत सारे लोग अपने बुजुर्गों की कबरों पर हाजिर होते हुए यही कहते हैं कि हम इनकी इबादत नहीं करते हैं ये बड़े अच्छे थे ये बड़े नेक थे हम इनके कब्र पर हाजिर हो कर के अल्लाह को याद करते हैं बुज़ुर्गों की नेकियों को याद करके अल्लाह याद आता मेरे भाइयों कौम नूह में जो बुराई आई कौम नूह में जो बुत परस्ती आई कौम नूह में जो कबर परस्ती आई उसकी इब्तदा यही मोहब्बत में गलो की वजह से हुई इसलिए अलिया कराम के ताल्लुक से बुजुर्गान दीन के ताल्लुक से मोहब्बत करना अच्छी बात है मोहब्बत करना अच्छी बात है लेकिन गलो करना आपको शिरक तक पहुँचा देगा इसी तरीके से मेरे भाइयों पाँच वाला मसला बड़ा ख़तरनाक है आ नसर नूअसलम के जमाने में पांच थे राफ़ज़ियों ने फिर पांच गढ़ा राफजियों ने क्या कहा हसन हुसैन अली फातिमा मोहम्मद रजी अल्लाजमाइन कहा कि ये पांचों पाक हैं पंजतन पाक वो पांच थे नू अली में उन लोगों ने उनको पांच पाक कहा और राफिजियों ने इनको पांच को पाक कहा इसलिए यहां से पंजतन का मसला शुरू हुआ और कहा पंजतन पाक ये पांच तन हैं जो पाक हैं बाकी सब नापाक हैं और आगे गुलू करके इन्होंने क्या किया पंजे बनाए ये पंजा जो आप देख रहे हैं पीतल का तांबे का ये असल पंजा नहीं है इसके पीछे अकीदा क्या है इसके पीछे अकीदा ये है कि ये पंजा ये पंजतन की याद दिलाता है ये पंजा पंजतन की याद दिलाता है हसन हुसैन फातिमा अली और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पांच लोगों की याद है ये पंजतन मेरे भाइयों हम किसी को मामूली समझने लगते हैं लेकिन ये मामला हमको कहाँ तक पहुँचा देता है शिरक तक पहुँचा देता है यकीनन जिस तरीके से नूह सलाम के ज़माने में लोगों ने अपने बुजुर्गों से मोहब्बत की और गुलू के शिकार होकर के बुतप्रस्ती तक पहुँच गए इसी तरीके से उस उम्मत के राफजियों ने अहले बैत के ताल्लुक से मोहब्बत में गलो किया नतीजा क्या हुआ पंजतन तक पहुंच गए और इस यही नहीं बल्कि अहले बैत से मोहब्बत में गलो इन्होंने इस कदर किया कि हम सब को ये काफिर कहते हैं कहते हैं ये 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 मुसलमान नहीं हैं क्यों ये अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते हैं मेरे भाइयों ये मेम्बर रसूल है और इंतहाई ईमानदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि अहले बैत से जो हकीकी मोहब्बत अहले हदीस करता है कोई दूसरा नहीं कर सकता है हम उस तरह मोहब्बत नहीं करते हैं जिस तरीके से लोगों ने कहा और शिक्ष तक पहुँच गए हमारा मोहब्बत हमारी मोहब्बत उनके ताल्लुक़ से अकीदत उसी दायरे में है जो कुरान और हदीस इजाज़त देता है उसके अलावा हम उससे आगे नहीं बढ़ते हैं मेरे भाइयों इसी तरीके से कबूरियों ने कबर परस्तों ने अलिया कराम के ताल्लुक से मोहब्बत में गुलू किया नतीजा क्या हुआ कबरों पर कुब्बे बनाए गए सद्दे लगाए गए झंडे लगाए गए और नतीजा क्या हुआ उनके नाम पर लंगर तकसीम किया गया सालाना उर्स बनाने के लिए एक तारीख मुतन की गई मेरे भाइयों यहाँ से ये शिर की इब्तदा हो जिस तरीके से नू असलम के ज़माने में उन लोगों ने बुज़ुर्गों की अकीदत में क़बर परस्ती तक पहुँच करके अपने आप को तबाह वर्बाद किया इस उम्मत के लोगों ने बुज़ुर्गों की मोहब्बत में गलू करके परस्ती तक पहुँच गए आज आपको मालूम होना चाहिए कि उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका है उसको तौफीक नहीं होती है कि अल्लाह के घर में आ कर के सजदा करके, करके अल्लाह को याद करे लेकिन ऐसे लोग मज़ारों पर दरगाहों पर हाजिरी दे करके उनसे अकीदत का इजहार करते हैं और तुरफा यह है कि जो लोग शिर्क से अपने आप को दूर रखते हैं ये कहते हैं कि आ, ये अलिया कराम के गुस्ताख हैं ये नतीजा हुआ मेरे भाइयों वलू इंसान को कहाँ तक पहुँचा देता गुलू को मामूली ना समझें ई याकलू व फैन का न कबल कम लोग अपने आप को गुलू से बचाओ इसलिए कि इस गुलू ने तुमसे पहले लोगों को हिलाक कर दिया तबाह कर दिया बर्बाद कर दिया शिरक में पहुंचा दिया और मश्रक के लिए जहनम है गलू को मामूली न समझें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये खतरा महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो आपके अकीदत में आपकी मोहब्बत में लोग आपसे भी गुलू करने लगे एक सहाबी हियरा गए मुल्क यमन का एक शहर है हियरा में उन्होंने देखा कि लोग अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा वापस आए कहा है अल्लाह के रसूल मैं मुल्के यमन गया था मैंने देखा कि वहाँ के लोग अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं अगर आप इजाज़त दें तो हम आपको सजदा करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं ज़िंदा हूँ अगर मैं इंतकाल कर जाऊँ और मेरी खबर के पास से तुम्हारा गुजर हो तो तुम मेरी ख़बर को सजदा करोगे कहा नहीं कहा ना जिंदे पे सजदा है ना मुर्दे पे सजदा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलू से मना किया और सजदा करना तो दूर की बात है हमारे नबी ने यह फरमाया कि अगर कोई शख्स ये पसंद करता है कि जब वो किसी मजलिस में पहुंचे तो लोग उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से लोग अपने माबूद की इबादत के लिए खामोशी के साथ खड़े रहते हैं स्टेचू बन जाते हैं अगर कोई शख्स ये पसंद करता है तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले आज ये लोगों के इस्तकबाल के लिए जो लोग कितारें लगाते हैं आप एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं आपसे बड़ा कोई आदमी आ गया ये अखलाक की बात है कि आप खड़े हो जाएं, उसको कुर्सी दे दें अखलाक है दीन में शरीयत में जायज है लेकिन किसी के इस्तकबाल के लिए सारे लोग खड़े हो जाना ये क्या है तकरीम है, है। अल्लाह के नबी कि किसी बुजुर्ग की बुजुर्गी का अहतमाम करते हुए अगर सारे लोग खड़े हो जाए और वो ये पसंद करता है कि उसके लोग लो खड़े हों तो उसको अपना ठिकाना कहाँ बना लेना चाहिए जहन्नम में गलू इंसान को कहां पहुंचाता क्या ये चीज हमारे दरमियान नहीं है बुजुर्गों की आमद पर पूरी मजलिस खड़ी हो जाती है सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं ये गुलू है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खतरा महसूस किया था और आपने फरमाया ततरूनी रूनी कमातरतिन ना ईसा इबन मरियम अय मेरी उम्मत के लोगों, मेरा मकाम उस तरह मत बढ़ाना जैसा कि नसारा ने इबन मरियम को बढ़ा दिया अना बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ फकुल अब्दुल्लाहि व रसूल मुझे अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल ही कहो मैं अल्लाह का बंदा हूं अल्लाह का रसूल हूँ अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल ही मुझे अल्लाह का दर्जा नहीं देना आज से 1435 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुतनबा किया था कि मेरे बारे में गुलू करके अपने ईमान और अकीदे को खराब नहीं करना लेकिन यह उम्मत नबी ने जिन चीजों से मना किया था वही करने लगी आज नबी की मोहब्बत में लोगों ने गुलू किया क्या कहा तो के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है लेना है हमें जो कुछ ले लेंगे मोहम्मद से इन्ना लिल्लाह इस कदर गुलू अल्लाह को नीचे कर दिया नबी को ऊपर कर दिया नबी मेरी जान से ज्यादा अजीज है नबी पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो नबी पर पेरी पूरी उम्मत कुर्बान हो लेकिन नबी का मकाम अल्लाह से बड़ा कर देना ये गुलू नहीं है कहां तक पहुंच गई ये उम्मत तोहीद के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है लेना है हमें जो कुछ ले लेंगे मोहम्मद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया था तो ये नबी की जात, जात में गलू किया गया नबी की कबर में भी गुलू किया गया आपके रोज़े के मुतालिक भी गुलू किया गया क्या आपने नहीं सुना हाजियो आओ अपने नबी का रोजा देखो हाजियो आओ अपने नबी का रोजा देखो काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो ये कौन कह रहा है ये कलमा पढ़ने वाला कह रहा है ये कुरान पढ़ने वाला कह रहा है ये नबी का नाम लेने वाला कह रहा है अपने आप को मुसलमान कहने वाला कह रहा है हाजियो आओ अपने नबी का रोजा देखो काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो कहते हैं काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में कहां कहा पहुंच गई है उम्मत शैतान ने किस कदर मिसगाइड किया शैतान ने किस कदर गुमराह किया और हमारे नौजवान इन कवालियों के रसिया बड़ी शौक से सुनते हैं काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में शिरक है मेरे भाइयों अल्लाह की अल्लाह की रबूबियत का अल्लाह की ओलोहियत का मजाक उड़ाया जा रहा है हम एहसास भी नहीं करते हैं और किस कदर शिरक में चले जाते हैं इसी तरीके से मेरे भाइयों वही जो मुस्तबी था अर्श पे खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा बनकर अल्लाह को नबी को अल्लाह को नबी बना दिया गया कि जो अर्श पर खुदा बनकर था वही मुस्तफ़ा बनकर दुनिया में आया है देखिए कैसे 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 लोग गुलू करके अपने आप को शिरक में मुबतला करते हैं और अभी आपने सुना होगा यूं तो यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं और जन्नत मदीने में मौजूद है यूं तो माना कि जन्नत बहुत है हंसी छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं और जन्नत मदीने में मौजूद है ये गुलो नहीं है मदीने को जन्नत से बड़ा बना दिया गया जन्नत की तहकीर की गई मेरे भाइयों मदीने से हम मोहब्बत करते हैं मदीने की गलियों से हमें मोहब्बत है लेकिन मदीने को जन्नत से बड़ा बना देना कहां तक सही हो सकता है करे गैर गर की पूजा तो काफिर जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें परिश्त करें शौक से जिसकी चाहें नबी का मकाम खुदा से बढ़ाएं इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं और शहीदों को शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं मजारों जा जा के चादर चढ़ाएं न तोहीद में कुछ खलल इससे आए न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए कहां है हमारा ईमान कहां पहुंच गए हम नबी से मोहब्बत करते करते अहले से मोहब्बत करते करते बुजुर्गों से मोहब्बत करते करते औलियाए कराम का एहतराम करते करते आज हम कहां पहुंच गए हमें एहसास भी नहीं होता है मेरे भाइयों लोगों ने इमामों के बारे में नबियों के बारे में वलियों के बारे में पीरों के बारे में यहां तक कि अपने आप के दोस्तों के बारे में हर बारे में गुलू किया इमामों के बारे में लोगों ने गुलू क्या किया इमाम को नबी का दर्जा दे दिया अब अगर किसी को बताया जाता है कि भाई इमाम का मकाम अपनी जगह पे है इमामों ने जिस ज़माने में मेहनत की है यकीनन बहुत ही मेहनत का काम किया है उन्होंने लेकिन इमामों ने कहा है कि जब नबी की बात आ जाए तो नबी की बात मान लेना मेरी बात को छोड़ देना यह इंसाफ का तकाजा था लेकिन इमामों की तकलीद करने वाले क्या कहते हैं अगर कोई हसी हदीस न अगर कोई हदीस नबवी हमारे इमाम के कौल के मुखालिफ हो फमआवलूँम तकजीब या तो उसकी तावील की जाएगी या तो वो हदीस छोटी है ये, ये साहिब और दस्तार जो बड़े बड़े दारुल उलूमों से निकलते हैं और जिनकी आमद पर पूरा शहर उमड़ पड़ता है उनकी तकरीम और उनकी इज्जत में मेरे भाइयों उन लोगों ने क्या किया अगर नबी की बात हमारे इमाम के कौल से टकराती है तो नबी की हदीस की तावील कर दी जाएगी या तो वह हदीस झूठी मानी जाएगी इमाम का कौल बदला नहीं जा सकता है हम समझते हैं ये मामूली बात है अल्लाह तबारक उतारा ने कुरानी मजीद में फरमाया उन लोगों ने अपने दुर्वेशों को उन लोगों ने अपने मुफ्तियों को मौलवियों को अल्लाह के अलावा रब बना लिया मेरे भाइयों अल्लाह के वसल्लम के पास लोग पहुंचे और कहा कि अः अल्लाह के रसूल ये ईसाइयों के बारे में जो कहा गया है कि उन्होंने अपने अहबार और रोहबान को रब बना लिया हम अपने किसी भी अहबार और रोहबान और पादरी और मौलवी और मुफ्ती को रब नहीं मानते हैं हमारे नबी ने फरमाया क्या ऐसा नहीं होता है कि वो कहते हैं जायज़ तो तुम कहते हो वहाँ जायज़ है वो कहते हैं हलाल तो तुम कहते हो हाँ हलाल है वो कहते हैं हराम तो तुम कहते हो हाँ हराम तो कहा हाँ ये तो है तो कहा यही तो रब बनाना है यही तो रब बनाना है हलाल और हराम का अख्तियार जायज और नाजायज का अख्तियार तुमने किसको दे दिया इमामों को दे दिया हालांकि हलाल और हराम का अख्तियार किसको है सिर्फ अल्लाह को है नबी को भी यह अख्तियार नहीं है कि अल्लाह के किसी हलाल चीज को हराम कर दें या हराम को हलाल कर दें अल्लाह तबारक ने नबी वसल्लम का वो वाकया बयान किया है सूरह तहरीम पढ़िए या आई नबीयो अरे नबी लिमा तो हर रिमा लक अल्लाह ताला ने जिस चीज को आपके लिए हलाल किया है आप कौन होते हैं हराम करने वाले तब तगी मर्जा ताजु आप अपनी बीवियों को खुश करना चाहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़े के तहत कहा था कि अब मैं शहद नहीं खाऊंगा शहद एक पाकिजा गजा है नबी को शहद बहुत पसंद था लेकिन बीवियों को खुश करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि आज से मैं शहद नहीं खाऊंगा अल्लाह ने आसमान से वही भेजी कुरान में पैगाम भेजा या नबी नबी लिमा अयोनबी तब तक ही मर्जा था अल्लाह ने जिस चीज को आपके लिए हलाल किया है आप कौन होते हैं आराम करने वाले आप अपनी बीवियों को खुश करना चाहते हैं नहीं आपको यह अख्तियार नहीं दिया गया हलाल और हराम का अख्तियार किसको है अल्लाह को है और अगर किसी इमाम को यह दर्जा दे दिया जाए तो इसका मतलब यह है कि उस इमाम को रब का दर्जा दे दिया गया मेरे भाइयों लोग गुलू करते हैं हर चीज़ में गलो इबादत में गुलू अक़ायद में गुलों मामिल में गुलो अल्लाह के नबी सल्हसम हज के लिए आए आपने एक सहाबी से कहा कि मेरे लिए कंकरियाँ चुनकर लाओ साहबी ने कंकरियाँ चुनकर नबी वसल्लम के हवाले की साहब रसूल कहते हैं कि वो कंकरियाँ मटर के दाने के बराबर थी चने से ज़रा छोटी मटर के बराबर के जो दोनों चुटकियों में आ सकती थी अब चुटकी में कितने बड़ा कहते हैं जब मैंने वो वो कंकरियाँ चुनकर नबी के हवाले किया तो अल्लाह के नबी हाँ, यही सही है आपने क्या फरमाया हाँ यही सही है इसके मामले में गुलू न करो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमरात को कंकरियां मारने के लिए बहुत छोटी कंकरियों का इस्तेमाल किया और कहा यही सही है लेकिन आप देखते होंगे लोग जमरात को मारते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं शैत, बड़े शैतान को मारना छोटे शैतान को मारना हैं बिचले शैतान शैतान को नहीं जमरात को मारना हैत इब्राहीम सलात वाम की एक यादगार है कि उस मकाम पर शैतान ने इब्राहिम सलाम को इसमाइल अलीस्म को फुसलाने की कोशिश की थी तो हैत सलाम ने उसके ऊपर कंकरियाँ मारी थी वो एक यादगार है जिसको अब जमारात कहा जाता है अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं बड़े शैतान को कंकरियाँ मारना इसलिए क्या करते हैं उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हम शैतान को मार रहे हैं हमारे नबी ने छोटी कंकरियों के इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गलू करते हुए लोग क्या करते हैं पत्थर से मारते हैं गोलू करते हुए क्या करते हैं लोग चप्पल और जूते मारते हैं ये गुलू नहीं है मेरे भाइयों संजीदगी के साथ सोचो एक तरफ तो आपके दिमाग में ये है कि मैं शैतान को मार रहा हूं और दूसरी बात आप ये भूल जाते हैं कि शैतान कितना खुश होता होगा कि यहां आके भी शैतानी काम कर रहा है यहां आके भी शैतानी काम कर रहा है हमारे नबी ने छोटी कंकरियों के मारने का हुक्म दिया है हम जूते और चप्पल मार रहे हैं शैतान को रुसवा कर रहे हैं हालांकि शैतान खुश हो रहा है कि देखो हालत एहराम में है मीना की मुकद्दस वादी में है यहाँ भी शैतान का मुरीद है यहाँ भी शैतानी काम कर रहा आपने देखा होगा हाँ हमेशा हर साल हज के अयाम में ये वी, वीडियो वायरल होता रहता है कोई कूद करके मारता है ऐसा लग रहा है क्रिकेट का वो फेंक रहा बाल फेंक रहा है ये सारी चीजें क्या है गुलू हैं इन गुलों से अपने आप को बचाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलू करने से मना किया है लोग वजू के मामले में गुलू करते हैं आप सलाम के पास एक शख्स आया कहा अल्लाह के रसूल हम वजू कैसे करें तो आपने फरमाया हर आजाब को एक एक बार धो शायद ये मसला किसी को मालूम ना हो मालूम कर लें आप कितनी बार तीन बार धोते हैं ना जरूरी नहीं है एक एक बार धोएंगे तो भी वजू हो जाएगा एक बार कुल्ली कर लें एक बार नाक में पानी डाल लें एक बार मुंह धो लें एक बार हाथ धो लें एक बार पैर धो लें एक एक बार करेंगे तो भी वजू हो जाएगा सही हदीस है तो आपने फरमाया एक एक बार कर लो वजू हो जाएगा फिर आप सरासल ने फरमाया अगर चाहो तो दो दो बार भी धो सकते हो फिर आपने थोड़ी देर के बाद फरमाया चाहो तो तीन तीन बार भी धो सकते हो अकल एक है अक्सर तीन है मिनिमम एक मैक्सिमम तीन कम से कम एक बार ज्यादा से ज्यादा तीन बार हमारे नबी ने यह हदीस बयान करके फिर बाद में क्या फरमाया अगर तीन से ज्यादा किसी ने किया फमन उसने किया जुल्म किया वजू की हालत में वजू करते हुए पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना आपने फरमाया गलू है बताओ बचाओ अपने आप को गुलू से हमारे बहुत सारे लोग जू खाने में जब बैठते हैं नल खुला हुआ है पूरा पानी गिर रहा है, वो जो पानी गिरता है उसमें दस लोग वजू कर सकते हैं आपने सोचा कयामत के दिन ये पानी जो वेस्ट करते हैं ना इसका भी सवाल का जवाब देना होगा जब भी इस्तेमाल करें जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल करें एक सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल कभी कभी मैं समंदर पे दरिया पे बैठा रहता हूं आपने फरमाया दरिया पर हो तो भी जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करो बाकी दूसरों को छोड़ दो अब आप सोचेंगे दरिया पे क्या पाबंदी है है इस्लाम हमको पाबंद बनाना चाहता है इस्लाम हमें अपने आप को मेंटेन करना सिखाता है दरिया पर होते हुए समंदर पर होते हुए भी आप तीन बार से ज्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकते मैक्सिमम तीन बार है इसी तरीके से बास लोग अपने आप पर जुल्म करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपके सामने एक शख्स को दो लोग घसीट करके ला रहे थे आप ने कहा तो चल नहीं सकता है इसको घसीट कर क्यों ला रहे हो कहा अल्लाह के रसूल इसने नजर मानी थी कि यह पैदल हज करेगा हाँ आज भी पैदल हज करने वालों का बड़ा चर्चा है कहते हैं दुनिया का सबसे पॉपुलर इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को देखा पैदल हज कर रहा है चल नहीं पा रहा है दो लोगों का सहारा लेकर के गया है आपने फरमाया इसको कहो सवारी इस्तेमाल करे और अपनी नज़र को तोड़ दे मेरे भाइयों बहुत सारे लोग अपने आप पर जुल्म करते हैं गुलू करते हुए कोई जरूरत नहीं है अल्लाह ने सहूलतें दी हैं उन सहूलतों को अपनाइए एक शख्स को आपने देखा वो धूप में खड़ा हुआ है वो बैठ नहीं रहा है वो छाव में नहीं जा रहा है बताया गया वो रोजे से भी है अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया उसको बताओ धूप में क्यों खड़ा है कहा अल्लाह के रसूल उसने नजर मानी है वो धूप में रहेगा उसने नजर मानी है वो बैठेगा नहीं उसने नजर मानी है वो रोजा रखेगा अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको बताओ कि अपना अपनी अपना अपनी नजर तोड़ दे धूप के बजाय छाओ में आ जाए खड़े होने के बजाय बैठ जाए आज भी बहुत सारे लोग तपस्याओं को इस्लाम समझते हैं इस्लाम तपस्याओं का मजहब नहीं है आज दीन आसान है जो सहूलत दी गई है उसको अपनाइए अपने आप पर जुल्म मत कीजिए और हम अपने आप पर जुल्म करके तपस्या करके ये समझते हैं कि हम बहुत नेक काम कर रहे हैं हालांकि गुलों में जाते हुए हम नबी की सुन्नत की मुखालफत कर रहे हैं इसी तरीके से मेरे भाइयों सवाल करने में बहुत सारे लोग गुलू करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ये वाक़ फरमाया इन कदीफ तराजाफ़ा लोगो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हज किया है लिहाजा हज करो तो एक साहबी ने क्या कहा हर साल है क्या अल्लाह के नबी नबीसलम खामोश रहे थोड़ी देर के बाद कहे कहाँ है वो साहबी कहा अल्लाह मैं हूं कहा जितना बताऊँ उतना सुन लिया करो जितना बताऊं उतना सुन लिया करो ज्यादा सवाल मत किया करो तुमने सवाल किया अगर मैं कह देता हां तो हर साल हज फर्ज हो जाता और तुम कर नहीं पाते सवाल करने से इंसान अपने ऊपर मुसीबत डाल लेता है वाकया पढ़ो सूर्य बकरा ढाई पारे की है अल्लाह तबारक ने सूर्य बकरा में एक वाकया बयान किया उसी के नाम पर बकरा उसका नाम है मूसा सलाम के जमाने में एक शख्स ने एक को कत्ल कर दिया अब लोग परेशान थे कातिल कौन है अल्लाह ने मूसाल के पास वही भेजी कि एक गाय जबा करो और उसके एक हिस्से को ये जो कत्ल हुआ है उसके एक हिस्से पर लगा दो वो जिंदा हो जाएगा अल्लाह का हुक्म क्या था गाय जबा करो और उसके किसी हिस्से को इसके हिस्से पर लगा दो जिंदा हो जाएगा और वो बता देगा कातिल कौन बात सिर्फ इतनी थी लेकिन उन लोगों ने क्या किया गुलू किया सवाल किया गाय कैसी हो उसकी उम्र कितनी हो वो खेती का काम करती हो कि ना करती हो सवाल करते गए फंसते गए अल्लाह ताला ने फरमाया कि बनी इसराइल ने अपने आप पर जुल्म कर लिया अब बताया गया कि वो गाय कैसी हो उसका रंग कैसा हो उसकी उम्र कैसी हो और ऐसी गाय पिलना मुश्किल हो गया बड़ी मुसीबत से बहुत ज्यादा पैसे दे करके वो गाय खरीदी गई मुसीबत किसने ली आपने ली सवाल करके अपने आप को मुसीबत में ना डालो बहुत सारे लोग सवाल करके अपने आप को मुसीबत में डालते हैं दुआ में लोग गुलू करते हैं लंबी लंबी दुआएं क्या लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारे लोग खूब जोर जोर से दुआएं करते हैं अल्लाह के नबी ससरम ने एक शख्स को देखा जोर जोर से दुआएं कर रहा है तो आपने फरमाया डांटा उसको कहा अल्लाह तला बहरा नहीं है अल्लाह बहरा नहीं है इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है तू तो। अल्लाह से दुआ कर रहा है आहिस्ता बोल तो मेरे भाइयों दुआ में लोग गुलू करते बहुत ज्यादा मुसज्जा मुकफ्फा इबारत है लंबी लंबी दुआएं और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो लोग दुआ में शरीक होते हैं कहते हैं आज दुआ है आज दुआ है इसलिए बड़ी दूर-दूर से लोग जाते हैं दुआ में अरे अपनी दुआ खुद मांगो अल्लाह के घर में अल्लाह के नबी वसल्लम ने ऐसी मुसज्जा मुकफ्फा लंबी लंबी दुआओं करने से मना किया है एक शख्स ने देखा कि एक शख्स दुआ मांग रहा है कहा कि अल्लाह मुझे तेरे अर्श के सामने जो सफेद महल है कसरे हाउस आए वो मुझे दे दे उसके बाप ने देखा कहा नालायक अल्लाह से मांग रहा है शर्त रख रहा है अरे अल्लाह से जन्नत मांग ले काफी है अल्लाह अल्लाह से दुआ मांगते हुए गोलो करना आज भी हमारे लोगों में ऐसे लोगों की तादाद है दुआ में लोग गुलू कर रहे हैं मेरे भाइयों हमेशा अपने आप को गुलों से बचाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था कभी तो भी किसी भी चीज़ में अतदाल अपनाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसी मजलिस में जाते जहाँ कुछ लोग सो रहे हैं कुछ लोग जाग रहे हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना आहिस्ता आहिस्ा असलमक़ुम जो जागता था वो सुन लेता था जो सोता था उसको डिस्टर्ब नहीं होता था आज लोग नमाज़ पढ़ते रहते हैं एक आदमी आता अल्लाम वहां से चिल्लाता है यहां तक आवाज़ आती है लोगों को डिस्टर्ब होता है आप सलाम किससे कर रहे हैं मेरे भाइयों जो सामने है उससे कीजिए बहुत ज़्यादा ज़ोर से सलाम करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं है एतदाल का रास्ता अपनाइए जिनको सुनाना चाहते हैं वो सुन लें जो नमाज पढ़ रहे हैं जो जिक्र में लगे हुए हैं जो दुआ में लगे हुए हैं उनको डिस्टर्ब ना कीजिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को एतदाल का रास्ता अपनाने की तोफ़ी नाय फरमाए गु से इस अफरा त तो तफरी से अल्लाह हम सब की हिफाजत फ़रमाए अल्लाह हम सब को सच्चा पक्का मुसलमान बनाए अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे खातमा हो तो ईमान बिल बिलखैर पर हो रब्बना तकबल मकान तस्मी व तुब आलै ना नकान तवाबरहिम बेरहमति क्या अरहमर आमीन الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد هو ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغ يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر واقيموا الصلاه